Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing okay. I'm also doing okay. So today is 21st of March and I've started studying for NEET again. 19th ko I had my last board exam. Then uske baad I took a break. 20th ko ek din ka hi break mil paya. Aur uske baad aaj se I have started to study for NEET. Started with 11th class ka revision and अभी 4 दिन बाद आई हैव अ टेस्ट जिसको मेरे को देना है और वो उसमें 11th का ही सिलेबस आएगा. सो अभी हम गोना शो यू कि क्या सिलेबस है उस टेस्ट का. दिस इज़ द सिलेबस एंड दिस इज़ माई टुडे शेड्यूल. यू गाइज कैन टेक अ लुक एंड आई हैव लाइक 4 डेज टू कम्प्लीट एंड लाइक रिवाइज दिस पार्ट जितना भी ये आ रहा है टेस्ट में. 12 बज रहे हैं एंड आई हैव बिन स्टार्टिंग 10 बजे से और मैंने अभी तक बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स के डिटेल नोट्स पढ़े हैं एंड शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं और PYQs करे हैं. और अब आई हैव टू डू लाइक एक वीडियो है उसमें से क्वेश्चंस करने हैं. PW की कोई नई सीरीज़ आई है उत्थान करके जिसमें से आई एम गोना डू उसके लाइक इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस उसमें जो भी हैं. वेट आई विल शो यू. आई एम टॉकिंग अबाउट मैंने अपने नोट्स पढ़ लिए हैं, PYQs सॉल्व कर लिए हैं और अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी सर कराएंगे वो मुझे करना है. माई मेंटर एक्चुअली आस्क्ड मी टू डू दिस, इसलिए आई एम डूइंग दिस. मेरे को कुछ आइडिया नहीं आया था. सो हाँ, और आई एम गोना डू इस सीरीज के क्वेश्चन लाइक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में एंड फिजिक्स के हर चैप्टर में और बायो में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज PW लेके आया है बहुत सारे ऑफर्स. इन ऑफर्स को ग्रैब कीजिए क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड हैं. PW लेके आया है अर्जुना नीट 2025 जो कि क्लास 11th के लिए है. इसका प्राइस 4,800 रुपीज़ है. देन देर इज़ लक्ष्य नीट 2025 फॉर क्लास 12th जिसका प्राइस भी 4,800 रुपीज़ है. इसके साथ आपको अर्जुना नीट 1.0 2024 एंड अर्जुना नीट 2.0 2024 फ्री मिलेगा. देन उसके बाद यकीन नीट 2025 जो कि टॉपर्स के लिए है इसका प्राइस 4,800 रुपीज़ है. देन अर्जुना नीट हिंदी 2025 स्पेसिफिकली फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स जिनके लिए ये क्लास 11th के लिए है और इसका प्राइस 3,000 रुपीज़ है. देन देर इज़ लक्ष्य नीट हिंदी 2025 जो कि क्लास 12th के लिए है इसका प्राइस 3,000 रुपीज़ है. इसके साथ आपको यकीन 1.0 हिंदी 2024 फ्री मिलेगा. देन यकीन नीट हिंदी 2025 जो कि टॉपर्स के लिए इसका प्राइस भी 3,000 रुपीज़ है. इन सभी बैचेस में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, DPPs विद वीडियो सॉल्यूशन, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास, शेड्यूल टेस्ट अकॉर्डिंग टू प्लानर और आप मेरा कूपन कोड TA150 यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट्स भी ले सकते हो. सभी बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो गो चेक इट आउट. ओके सो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 6 एंड लेट मी गिव यू गाइज अ क्विक अपडेट कि मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया है. सो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स तब से बट आई डिडंट रिकॉर्ड एवरीथिंग क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती. सो सबसे पहले तो आई वॉज डूइंग दैट वीडियो बेसिक मैथ्स और वैक्टर वाली की. तो सबसे पहले मैंने वो वीडियो कम्प्लीट करी. देन उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड उसके मैंने डिटेल नोट्स एक बार ही पढ़े, फिर उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े. देन मैंने उसकी भी वो वीडियो कर ली. 2 घंटे की वीडियो थी तो मेरे को उसमें भी लगा अच्छा खासा टाइम करने में. अब नाउ आई एम गोना डू यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस. देन उसका मेरा रिवीजन लाइक क्वेश्चंस एज इन यूनिट्स एंड डायमेंशन के PYQs. देन उसके बाद मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा एंड देन फिर आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके सो गाइस मेरे PYQs हो गए यूनिट्स एंड डायमेंशन के, मतलब कि मेरा इसका पूरा रिवीजन खत्म हो गया. चारों चीज़ें मैंने इसकी कर ली. ठीक है, अब उसके बाद मैं काइनेमैटिक्स अभी नहीं कर रही. मेरे को लगता भी नहीं कि मेरा आज काइनेमैटिक्स हो पाएगा तो काइनेमैटिक्स मैं कल ही करने को सोच रही हूँ. अब मैं केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करी और फिर एकदम एंड में बायो करूँगी.
सो मेरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो गए हैं और अब आई एम गोना बी डूइंग द सेम उत्थान सीरीज़ वाली वीडियो फॉर मोल कंसेप्ट जो मैंने फिजिक्स में करी है, बेसिक मैथ्स में और वेक्टर में और यूनिट एंड डायमेंशंस में. सो गाइज, टाइम फॉर द सेकेंड अपडेट. नाउ मेरा मोल हो चुका है. आई हैव ऑल्सो डन रिडॉक्स. रिडॉक्स में देर वॉज नो वीडियो क्योंकि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी उन्होंने रिडॉक्स की. सो आई जस्ट रिवाइज फ्रॉम माई डिटेल नोट्स एंड उसके बाद मैंने उसके पी वाई क्यूज़ कर लिए एंड दैट वॉज इट. तो रिडॉक्स के पी वाई क्यूज़ भी काफ़ी कम थे सो रिडॉक्स काफ़ी जल्दी से हो गया. ठीक है, तो मेरा मोल और रिडॉक्स हो चुका है. अब मैं इनको टिक लगा देती हूँ. Oh, now I just have to do living world and biological classification जो कि मैं अब करूँगी एंड आई जस्ट हैव टू डू इसकी लाइक रीड इसकी एनसीईआरटी एक बार एंड देन सॉल्व पी वाई क्यूज. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई एम नॉट गोना बी रिकॉर्डिंग इट क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी लेट एंड आई एम टायर्ड. आई जस्ट वॉन्ट गेट इट ओवर विद. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड बाय. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. सो बाय बाय.